इस वाले मामले में माइक निकाल देना। दस जुलाई को थाना नकुड़ पर एक एफआईआर पंजीकृत की थी एसडीएम नकुड़ द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि किसी नंबर से निरंतर उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और अमर्यादित एवं अभद्र भाषा का उनपे जो है प्रयोग किया जा रहा है बार बार। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था एवं जो नंबर पुलिस को मिले थे उसकी निरंतर सर्विलांस के माध्यम से एवं जो उसकी आईडी किस नाम से रजिस्टर्ड था उसकी लोकेशन, ये सारे चीजों पर काम किया जा रहा था। अभियुक्त अपने आप को जो है संजय सिंह बता रहा था और संजय सिंह निवासी देवरिया इसी नाम से जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जब पुलिस जांच पड़ताल में लगी तो ये जो नंबर है वो जो चला रहा था उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है सरदना मेरठ से। जब वो दिल्ली की तरफ आ रहा था पुलिस को उसकी लोकेशन मिली थी तो उसको सरदना मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम चंदन उर्फ चांदनी है, ये निवासी जो है बलिया जिले का रहने वाला है, अपने आप को ये किन्नर समाज से बता रहा है। और जब इससे पूछताछ की गई तो पुलिस को इसके विरुद्ध 23 मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं इस पे, और ये जो है थाना जंगा गोरखपुर जिला गोरखपुर में 15,000 रुपए का इनामी अपराधी वांछित चल रहा था गैंगस्टर एक्ट में। और इस पे जो मुकदमे हैं पूर्व में वो भी इसी तरह के हैं कि इन्होंने पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं कर चुका है कि अधिकारियों को फोन पर धमकी देकर और जो है अपने आप को मंत्री जी का पीए बताकर जो है ये घटना करता है। सहारनपुर की जो घटना थी उसमें इन्होंने एक यहाँ के जो प्रधान थे उन्होंने इन काम अपना निजी एक जो है विद्युत विभाग का काम करवाने के लिए 15,000 रुपए इनको डाले भी थे, ये पूछताछ में उन्होंने कबूल किए हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार किया है इसके पास से 11 फर्जी सिम हमें मिली है अलग अलग, जिससे ये कॉल करता था, जिस नंबर से एसडीएम नकुड़ को कॉल किया है वो सिम भी बरामद की है। इसमें जो है 3 मोबाइल फोन एवं 11 सिम बरामद किए हुए हैं एवं जो पैसे यहाँ के प्रधान जी ने भेजे थे उसमें से कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं। ये पूरी घटना कबूल कर रहा है, आज इसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और 13 जुलाई को जनपद सहारनपुर से भी 25,000 रुपए का इनाम जो है इस अभियुक्त के विरुद्ध किया गया था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, और आज थाना नकुड़ की पुलिस इसे गिरफ्तार कर जेल भेजी।